हेलो, चलिए आज हम आपको मटन बनाने का बहुत आसान तरीका सिखाते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, हमें चाहिए कुछ लहसुन की कलियाँ, यानी कि पूरा एक लहसुन की गुली आप ले लीजिए। और इसके अलावा थोड़ा जिंजर, आधा इंच जिंजर, जिसको कि मैंने उसके जुलियन बना ली हैं, और 4 से 5 हरी मिर्च, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसके अलावा जो हमें चाहिए, एक प्याज, जो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, इसको पेस्ट बनाऊँगी एज अ स्पाइस की तरह। इसके अलावा हमने लिया है 1/2 किलो मटन लिया है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और इसके अलावा जो हमें गार्निश करने के लिए, हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाएंगे। चाहे तो आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए, चाहे तो अमाम जस्ता में कर लीजिए। इसके अलावा जो हमें चाहिए, आधा प्याज जिसके मैंने स्लाइस बना दिए हैं, इसको सबसे पहले क्या करूँगी, मैं फ्राई कर लूँगी इसको लाइट ब्राउन करके। और जब मेरा मटन तैयार हो जाता है, अच्छी तरह से पक जाता है, तब मैं इसको लास्ट उसमें क्रश करके ऐड करने वाली हूँ। इसके अलावा जो हमें स्पाइस चाहिए, गरम वाला, गरम मसाला की स्पाइस, 2 तेज़पत्ता के लिए, और बड़ी इलायची 2, और 2 हरी इलायची, 3 से 5 लौंग, और काली मिर्च 5 नोस। इसके अलावा जो चाहिए, सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसमें मैं 1.5 चम्मच रेड मिर्च पाउडर ऐड करने वाली हूँ, और इसमें 1/4 टीस्पून मैं हल्दी डालूँगी। एंड इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी, धनिया का पाउडर, ये मैं सिर्फ 1 चम्मच ऐड करूँगी। सो मैंने क्या किया है, आम जिससे मैं लहसुन और प्याज का अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है, और जो मैंने इंग्रेडिएंट आपको बताए हैं वो सारे इसमें मैं मिक्स कर लूँगी और एक पेस्ट इसमें बना लूँगी। तो सबसे पहले क्या करूँगी, जो मैंने मटन को वॉश करके रखा है उसके पीसेस को, कुकर लूँगी, कुकर को गैस पे रखूँगी, थोड़ा सा प्री हीट करने के बाद उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करूँगी। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना जो पेस्ट है लहसुन और अदरक का, उसमें 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप 1.5 चम्मच डालेंगे, ये देखिए 1 चम्मच डाल चुके हैं, और 1 चम्मच और ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से पानी डालकर इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ऑयल डालिए, बेस्ट है मस्टर्ड ऑयल को आप यूज़ करेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है। अब हम इसमें जो हमने प्याज के स्लाइस काटे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे लाइट ब्राउन होने के लिए। देखिए इसमें ऐड करेंगे, इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। हमारी लाइट ब्राउन हो जाती है तब हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसको एक कटोरी में अलग रख लेंगे। तब तक वेट करते हैं तब तक ये हमारा लाइट ब्राउन होता है प्याज। प्याज हमारे बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई है, अब हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे, कटोरी के अंदर उस साइड में रख लेंगे। लीजिए इस तरीके से मेरी जो प्याज है लाइट ब्राउन हो गई है। मैं इसको बिल्कुल जब पक जाता है मेरा मटन, तो उसमें क्रश करके एंड में डालने वाली हूँ, सो दैट उसमें थोड़ा सा स्मेल आ जाए। सो अब मैं इसके अंदर जो मेरे गरम मसाला है वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से, जब तक इसका जो फ्लेवर है ऑयल में ऐड नहीं हो जाता है, तब तक कि हम इसको इसमें फ्राई करेंगे।
साइड बाई साइड हम इसमें अदरक के जो ये है चीनी उसको भी ऐड कर लेते हैं। अदरक का इसमें जूस है वो इसके अंदर ऑयल में इसका फ्लेवर आ जाए, इस तरीके से हम इसको ऑयल में मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो हमारा मटन है वो इसमें हम ऐड करेंगे। सो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है तो मटन को हम ऐड करेंगे। सो ये हमारा मटन है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर जो पानी है वो हमारा निकल ना जाए। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसका पानी जब तक सूख ना जाए हम इसको इसी तरीके से गैस पर रखेंगे। और मैं साइड बाय साइड इसमें नमक ऐड कर देती हूँ सो दैट जो इस हमारा जो इसके फ्लैश है वो एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर नमक अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से हमारा फ्राई भी हो जाए और इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर। इस तरीके से मेरा जो इसमें फ्लैश है मटन के वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। देखिए बिल्कुल ऑयल इसमें से बाहर निकल आया है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया था मसाले का वो सब इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से भुनने के लिए हम क्या करेंगे 15 मिनट के लिए कुकर का लेट बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने याद रखिए आप इसके अंदर जो आपका 1 kg जो मटन है उसमें आप 2 गिलास पानी ऐड करेंगे सो दैट वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको हम 15 से 20 मिनट लेंगे कुकर का लिड हम अच्छे तरीके से बंद करेंगे। और आफ्टर 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। सीटी इसमें हमारी आनी चाहिए, 4 सीटी आनी चाहिए, इसके बाद हमारा बिल्कुल ये इस तरीके से हमारा जो मटन है अच्छे तरीके से बन गया है। मसाला बिल्कुल इसके अंदर तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। और हम क्या करते हैं इसमें चौथी को तोड़ देंगे, 1 गिलास पानी डाल देते हैं। इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा शोर अच्छी तरह। हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है पहले से, इस तरीके से हमारा मटन नीचे हमारा बिल्कुल पत्थर तैयार हो गया है रेडी टू डिश। और ये शोर का भी हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट कट गया है। गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। एंड लास्ट में जो हमने प्याज ब्राउन किया था उसको हम अच्छे तरीके से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से प्याज जो हमारी मैंने ब्राउन किया था फ्राई करके उसको मैंने क्रश कर लिया है इस तरीके से। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी अपने कोरमा के अंदर। तो ये मेरा सिंपल और इजी तरीका है मटन बनाने का जो इसमें कोरमे का टेस्ट भी आता है। सो इसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी और आपके सामने इसको तैयार। सो लीजिए मेरा मटन बिल्कुल तैयार है और सर्व भी कर दिए हैं, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सैलड विद रोटी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊं जो कि ना केवल सिर्फ देखने में ही अच्छी हो वो हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, बैलेंस डाइट के तरीके से भी अच्छी हो। और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आती है। और इसके अलावा आप मेरे को कमेंट डाल के कमेंट भी कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल दैट इज़ नैना फूड हैबिट एंड सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।